हाई फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू चैनल टू जेड इन माइनिंग। फ्रेंड्स, ये वीडियो में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं SECL का एक नोटिफिकेशन आया है आज, वो नोटिफिकेशन का डिटेल हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में जाने के पहले आप हमारे चैनल का नया है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर देना, तभी मैं कोई वीडियो हमारे चैनल पर डाल रहा हूँ वो आपको नोटिफिकेशन में आ जाएगी। चलो वीडियो पर जाएंगे। फ्रेंड्स, ये है नोटिफिकेशन फ्रॉम SECL। ये नोटिफिकेशन आया है, आज ही आया है, ठीक है। नोटिफिकेशन का डिटेल देखेंगे। माइनिंग सरदार एंड डिप्टी सर्वेयर का टेक्निकल सुपरवाइजर कैटेगरी ग्रेड सी का, ठीक है। इसमें माइनिंग सरदार का टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 350 वैकेंसी है एंड डिप्टी सर्वेयर का 55 वैकेंसी है, ठीक है। इसके लिए आपको पेमेंट का बेसिक पेमेंट भी कितना मिलेगा करके आपको दिया है, दोनों का लगभग 32,000 का आसपास पर मंथ। इसमें फ्रेंड्स टोटल वैकेंसी में कैटेगरीज भी दिया हुआ है, वो देख लेना आपको कैटेगरी में कितना है करके। इसका क्वालिफिकेशन देखेंगे। पहले क्वालिफिकेशन है माइनिंग सरदार के लिए, आपके पास माइनिंग सरदार अनरिस्ट्रिक्टेड आपके पास होना चाहिए, ये ज़रूर है। रिस्ट्रिक्टेड वाला आपके पास है, आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद आपको ये छोड़ के वैलिड फर्स्ट एड एंड गैस टेस्टिंग भी होना चाहिए, और आपके सब पास सरदार नहीं है और आपके पास ओवरमैन है, आप भी अप्लाई कर सकते हो, बट ओवरमैन को भी अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर द कोल विच इज इशू बाई DGMS वो होना जरूरी है, ठीक है। इसमें सर्वेयर के लिए सर्वे सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड आपके पास होना है। इसमें क्लियर कट दिया हुआ है फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है, अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट क्यों होना चाहिए, बिकॉज SECL में बोथ अंडरग्राउंड एंड ओपन कास्ट माइंस है। से ये सेलेक्टेड वाला आदमी बोथ अंडरग्राउंड एज वेल एज ओपन कास्ट में आपको अपॉइंटमेंट हो सकता है, इसीलिए बोला हुआ है। ओनली अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट किसके पास है, वही ओनली अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ ओनली रिस्ट्रिक्टेड वाला अप्लाई नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो देख लेना। सेकंड है फ्रेंड्स इसका एज लिमिट दिया हुआ है। मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स, मैक्सिमम 30 ईयर्स फॉर द अनरिजर्व्ड एंड EWS का, OBC नॉन क्रीमी लेयर का 33 ईयर्स एंड SC ST के लिए 35 ईयर्स, ओके। इसमें भी आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का ऊपर दिया हुआ देख लेना, इसमें रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज, वो भी देख लेना। इसमें एक्चुअल एज लिमिट दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स इसको अप्लाई करने के लिए आपको ये कंपनी में वेबसाइट में जाके आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद उसका एप्लीकेशन प्रिंट आउट लेके उसके साथ सभी डॉक्यूमेंट रख के आपको भेजना पड़ेगा बिफोर 7 मार्च को पहले, वो SECL ऑफिस के दिया हुआ एड्रेस वो ऑफिस में पहुँचना पड़ेगा वो पोस्ट, ठीक है। सेकेंड है अप्लीकेशन फी 1000+180 रुपीज़ पे करना पड़ेगा फॉर द जनरल OBC एंड EWS कैटेगरी का, ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट है इसका रिटर्न एग्जाम है, इसके ये एग्जामिनेशन के लिए MCQ टाइप का, ये रिटर्न एग्जाम मार्क वजह से आपको शॉर्टलिस्ट होगा, ठीक है। इसका डेट देखेंगे, एप्लीकेशन चालू होने वाला है 3 फरवरी से अप टू 23 फरवरी तक, 24 तक आपको पेमेंट कर सकता है, बट वो साइंड एप्लीकेशन वो SECL के ऑफिस में पहुंचना चाहिए बिफोर 7th ऑफ मार्च, ठीक है। आपको एग्जामिनेशन डेट सभी बाद में आपको मिल जाएगा। और है बाकी ये जनरल कंडीशन दिया हुआ है वो देख लेना फ्रेंड्स अच्छे से। यही फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन का डिटेल है। ये वीडियो अच्छा लगा तो आप एक लाइक डाल दीजिए, आपको फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।